Hello everyone, welcome back to Maths Homework. First you will write the date 10-8-20. Okay, now today we will start new topic number line. आपको पता है number line क्या होती है? Number line एक line होती है, एक line बनाएंगे जिस पे number marked होते हैं 0 से लेकर 10 तक. अभी हम 10 तक इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा chapter है numbers up to 9. ठीक है, तो 10 तक बनाएंगे हम. नंबर लाइन पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं. किस में लिखे होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे. ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर ईच प्रॉब्लम. हमें नंबर लाइन बनानी है इन नंबर्स की. ये नंबर आपको गिवन होंगे, उसको देखकर आप नंबर लाइंस बनाओगे. ठीक है, ये आपने स्केल लिया. यू विल टेक दिस स्केल. ये स्केल आपने रखा है इसे. ठीक है, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन एक लाइन होती है. ये लाइन बनाई मैंने ऐसे. ठीक है, यहां एरो बनाया, यहां एरो बनाया. नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे नंबर मार्क्ड होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. जीरो से स्टार्ट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नंबर लाइन पे हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. और बेटा हमेशा याद रखना, जब नंबर लाइन हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नंबर्स कम होते हैं. ठीक है, अब देखो पहला नंबर देखो 4 है. प्लस में हमेशा आगे जाएंगे. सब्ट्रैक्शन में आपको बाद में पढ़ाऊंगी, प्लस की बात हो रही है तो प्लस में आगे जंप करते हैं. पहला नंबर है आपका 4, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन. 0 से लेकर हम 4 पे गए. ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर देखो 3, तो हम 3 बार जंप करेंगे. 1, 2, 3. अब देखो किस पे नंबर लाइन रुक गई है. एरो हमारा किस पे रुका? 7 पर. तो आंसर होगा 7. ठीक है, ये आपने ऐसे आपको नंबर लाइन बनानी है. देखो हम आगे जा रहे हैं ना, हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमारे नंबर्स बढ़ गए. बड़े नंबर नहीं बढ़े, 4, 5, 6, 7 नंबर्स हमारे बढ़ गए. अब हम नेक्स्ट बनाएंगे नंबर लाइन. आपने स्केल लिया, ऐसे आपने स्केल रखा. ठीक है, ये आपने नंबर लाइन बना ली. यहां एरो बनाया, यहां एरो बनाया. आपको बताया था मैंने नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 0 से लेकर 10 तक लिखेंगे. 0, 1, 2, 3. और देखो बेटे बिल्कुल पास पास नंबर्स नहीं बनाते हैं, थोड़ा गैप दे दे के नंबर्स लिखेंगे. 0 के बाद गैप देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब देखो पहला नंबर क्या है? 3. तो 0 से हम किस पे जाएंगे? 3 पे. कितनी बार जंप करेंगे? प्लस का है तो आगे जंप करते हैं. 1, 2. किस पे रुक गई? 5. हम बॉक्स में आंसर हमारा क्या होगा? 5. ऐसे ही नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे. सबने ये स्केल लिया, स्केल ऐसे रखा, लाइन ड्रॉ करी, एरो बनाया, फिर आपने ऐसे नंबर्स लिख दिए. नंबर के बीच में गैप होना जरूरी है. 8. तो 0 से हम किस पे जाएंगे बेटा? 8 पर. नाउ कितनी बार जंप करेंगे? ओनली 1, क्योंकि 1 है. आगे बढ़ेंगे हम, प्लस है. ठीक है, हमारा आंसर क्या आया? 9, क्योंकि हम 9 पे रुके. ठीक है, नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें नंबर मार्क्ड होते हैं जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 0 से लेकर 10 तक. ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लस की नंबर लाइन करेंगे, आगे हम माइनस की करेंगे. ओके,